सऊदी फरमानरवा शाह सलमान का ईरान के खिलाफ इत्तेहाद का मुतालबा, कहते हैं कि इंसानी तबाही के हथियार के असूल से रोकने के लिए मुत्तहिदा महाज बनाया जाए। हिजबुल्ला की वजह से बैरूत में खौफनाक वाकया पेश आया, इसको गैर मुसल्ला करना जरूरी है। शाह सलमान ने कहा है कि ईरान ने आलमी ताकतों के साथ 2015 के जौहरी मुआहदे को अपनी तोसीई सरगर्मियों, दहशतगर्दी का नेटवर्क कायम करने और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया है। मुआहदे का हवाला देते हुए उनका कहना था कि इससे सिर्फ अफरा तफरी, इंतहा पसंदी और नफरत के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर जामे हल और मजबूत पोजीशन लेने की जरूरत है। शाह सलमान ने कहा कि ईरानी हुकूमत के साथ हमारे तजर्बे ने हमें बहुत सिखाया है कि जुज़वी हल और नरमी से दुनिया के अमन इस्तेहकाम को लाहक खतरात को कम नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सऊदी हुक्मरान के गैर जरूरी और गैर तामीरी बयान का मकसद खित्ते में मुस्तकिल तकसीम और हथियारों की फरोख्त करना है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का कहना था कि लबनान में फैसला साजी के अमल में हिजबुल्ला की मनमानियों के बायस गुज़िश्ता माह बैरूत में खौफनाक धमाका हुआ था। उन्होंने कहा कि इस दहशतगर्द तंजीम को गैर मुसल्ला किया जाए।